हेलो एंड वेलकम टू मीरब्स किचन। आज मैं आपके साथ चॉकलेट क्रिंकल कुकीज की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये हॉलीडे स्पेशल रेसिपी है, तो इसे मैं विदाउट ओवन के बनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करें। बटर मैंने लिया है, ये 50 ग्राम है, तो ये रूम टेम्परेचर पे है, और जितनी भी चीजें इसमें मैं यूज कर रही हूँ सब रूम टेम्परेचर। अब मैं इसमें आइसिंग शुगर ऐड करूंगी, तो ये हाफ कप है। पहले मिक्स कर लूंगी ताकि ये उड़े ना। एक अंडा इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला की हेल्प से जो साइडों पे बैटर लगा होता है उसे हमने सेंटर में कर लेना है। वन टीस्पून इसमें वनीला एसेंस ऐड करूंगी। बैटर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मैदा मैंने लिया है, ये 1 कप है। अब इसमें कोको पाउडर ऐड करूंगी, ये 1/4 कप है। बेकिंग पाउडर है, ये 1 टीस्पून है। नमक इसमें 1/4 टीस्पून ऐड करूंगी और इन्हें मिक्स कर लूंगी। तो अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी। इसे हम मिक्स करेंगे, पहले हम इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे, उसके बाद हमने इसे हाथों से मिक्स करना है। बाकी का जो पाउडर है ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब मैं इसे हाथों की हेल्प से मिक्स कर लूंगी। बड़ी अच्छी सी इसकी डो तैयार हो रही है। डो हमारी अच्छी सी तैयार हो चुकी है, तो मैं इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी, और इसके बाद हम इसके कुकी बनाना स्टार्ट करेंगे। डो हमारी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, अब स्पून की हेल्प से हम इसमें से थोड़ा से लेंगे और इसका बॉल बनाएंगे, और इसको हम पाउडर शुगर में ऐसे रोल कर लेंगे। एक बेकिंग ट्रे हमने ली है, इसमें मैंने ऑयल लगा के ऊपर बटर पेपर रख दिया है। अब ये कुकीज बना के मैं इसके ऊपर रख दी जाऊंगी। कुकी हमारे
बेक करने के लिए तैयार हैं। तो पतीले को मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले प्रीहीट कर लिया है, तो अब हम उसमें रखते हैं। अब तकरीबन मैंने 10 से 12 मिनट के लिए बेक करूंगी। कुकीज हमारे तैयार हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ही मजेदार चॉकलेट क्रिंकल कुकीज तैयार हैं, तो आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।